Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, I hope you are doing well. Today we will discuss a very important topic, that is absolute zero temperature. आज के इस लेक्चर के अंदर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर बात करेंगे. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल टॉपिक है. बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं. इसका ग्राफ भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और मैथमेटिकली इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है. सिंपली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर को डिफाइन कर देता हूँ कि ऐसा टेम्परेचर, यानी कि ऐसा थ्योरेटिकल टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, हम ये कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल टेम्परेचर. यहाँ पे टर्म जहन में रखना है, थ्योरेटिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, थ्योरेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम जीरो. ठीक है, हम ये कहते हैं कि ऐसा थ्योरेटिकल टेम्परेचर जिस पे गैस का वॉल्यूम जीरो बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. इस टेम्परेचर की मैं बात करूं तो दिस टेम्परेचर इज 273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो आपने ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है कि -273.15 वो थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है थ्योरेटिकली, और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस बात का मतलब क्या है. बेसिकली याद रखना है इस टॉपिक के पीछे जो असल टॉपिक है, दैट इज चार्ल्स लॉ. ये टॉपिक बेसिकली बेस करता है चार्ल्स लॉ के ऊपर. आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, वो क्या बताता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये स्टेटमेंट कहां से आई है, चार्ल्स लॉ. चार्ल्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उन सारे एक्सपेरिमेंट से उसने ये बात ऑब्जर्व की कि किसी भी गैस का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम उसका उसी तरह से इंक्रीज करेगा, और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम उसी तरह से उसका क्या होना है, कम होना. इतनी बात आपने समझ ली. अब आगे देखते हैं कि इसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बात ऑब्जर्व की कि अगर हम किसी भी गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करें, किसी भी गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करें, यानी कि इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, जब आप 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करोगे तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगी वो 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज आएगी. इस बात को वो कैसे एक्सप्रेस करता है, ये चार्ल्स कहता है कि इफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस, हम कहते हैं चेंज करेंगे बाय 1 डिग्री. अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करें या इंक्रीज करें तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. ये बात आपने समझनी है. ठीक है, यहां पर वो क्या कह रहा है,
वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी गैस के टेम्परेचर पर आप 1 डिग्री इंक्रीज करोगे तो जो वॉल्यूम में इंक्रीज आएगी 1/273, यानी ओरिजिनली जितना भी वॉल्यूम था 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के, उस टोटल वॉल्यूम के 1/273 क्या आ जानी है, इंक्रीज आ जानी है। इन द सेम वे अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो जो वॉल्यूम में डिक्रीज आनी है वो उस ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/273 के इक्वल डिक्रीज आ जानी है। तो इसको हम यूं भी कहते हैं कि फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर, हर डिग्री टेम्परेचर ज्यादा करने से या कम करने से टेम्परेचर वॉल्यूम में 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज आ जाती है। अब इसको देखिए क्या कहते हैं, ये जो अभी हमने स्टेटमेंट लिखी इसी को हम मैथमेटिकली यूं लेते हैं। देखो उसने क्या कहा था, वॉल्यूम हम कहते हैं कि एट 0 डिग्री कोई भी वॉल्यूम है, ठीक है, इज एनी वॉल्यूम, ठीक। अब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम एट टी, यानी किसी टेम्परेचर पे आपने 0 से बढ़ा के 1 कर दिया या 0 से कम करके -1 कर दिया, कुछ भी टेम्परेचर आपने कर दिया, क्या वॉल्यूम बनेगा, याद रखना है ओरिजिनल वॉल्यूम, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था जितना भी है, 1 dm³ है, 250 dm³ है, व्हाटसोएवर इट मे बी, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस 1/273 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, कितना, जो न्यू टेम्परेचर हमने रखा है। आगे बात समझ में, ये वो फॉर्मूला है जो हमें बताएगा कि एब्सोल्यूट जीरो कैसे आता है। दोबारा से सुन ले कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ला, 1 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा करने से या 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने से जो नया वॉल्यूम आता है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम, जो शुरू में वॉल्यूम था, प्लस 1/273, ये जो उसने अपनी उस स्टेटमेंट में बताया, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वॉल्यूम जो 0 डिग्री पे है या किसी भी डिग्री पे, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, इतनी सी बात आप अपने जहन में बिठा लें। अब देखें हम ये कहते हैं कि हम एक गैस लेते हैं, एक गैस है XYZ, एनी गैस है, एट 0 डिग्री एक गैस ली, 0 डिग्री पर हम सपोज करते हैं उस गैस का वॉल्यूम है 273 ml, बस इतनी सी बात आप ध्यान में बिठा लें। हमने क्या किया, एक गैस ली और उस गैस का वॉल्यूम हम कहते हैं 273 ml है, इट्स ओके। अब आगे चलते हैं, अब देखो क्या होगा, 0 डिग्री पर गैस का वॉल्यूम 273 ml है, मैं कहता हूं कि इस गैस का टेम्परेचर हम बढ़ा के 0 से 25 डिग्री कर देता हूं, एट 25 डिग्री, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेंगे, वी एट 25 डिग्री ओरिजिनल वॉल्यूम 273 प्लस 1/273 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वॉल्यूम 273 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, जो भी आंसर आए वो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अगर इसको मैं यहां से देखूं तो क्या बनता है, देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 273 प्लस
25. तो 273 में 25 प्लस कीजिए कितना बनेगा 298. तो अब अगर इस गैस का जो 0 डिग्री पर 273 ml उसका वॉल्यूम है, अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ा के 0 से 25 कर दें तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 298. अगर हम उसका 0 से 1 बढ़ा दें तो वॉल्यूम 274 हो जाएगा. अब इसी को लेते हैं, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है. अब हम कहते हैं कि हम अगर टेम्परेचर उसका कम करें, गैस का टेम्परेचर क्या करें, कम करें, और 0 की बजाय मैं इसका टेम्परेचर ले जाता हूं -100 पे. कहां पे टेम्परेचर ले जाते हैं? -100 पे. तो क्या होगा? V एट 100 डिग्री, V एट 100 डिग्री क्या होता है? ओरिजिनल वॉल्यूम -100 -100. ठीक है, अब क्या है, आप इसको क्रॉस कीजिए, क्या बनेगा 273 माइनस 100 इज इक्वल टू 173. अब अगर आप उसी गैस का टेम्परेचर कम करेंगे चार्ल्स लॉ के मुताबिक, अगर आप -100 पे लेके जाओगे, वॉल्यूम 273 से 173 पे चला जाएगा. अब आते हैं, अगर टेम्परेचर कम करते करते इसी गैस का टेम्परेचर कम करते करते हम चले जाएं -273 पे, कितने टेम्परेचर पे? -273 पे. अब देखिए V एट -273 डिग्री सेल्सियस, यहां पर हम जितनी बात करते आए हैं वो डिग्री सेल्सियस से बात करते आए हैं. क्या होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम 273 प्लस 1/273 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, कितना है? -273. अब देखिए ये 273 इसके साथ कट जाएगा, 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0. क्या हो रहा है? वॉल्यूम एट -273 इज इक्वल टू 0. जब आप टेम्परेचर कम करते करते -273 पे ले जाते हैं तो गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. अब इस लॉ के मुताबिक अगर आप इस गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर -273 करोगे तो इसका वॉल्यूम कम होते होते 0 हो जाएगा. लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, ये बात पॉसिबल नहीं है कि किसी चीज का वॉल्यूम यानी कि मास उसका क्या हो जाए? 0 हो जाए. अब कैसे है? ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चेंज कर सकता हूं, लेकिन इसको मैं 0 नहीं कर सकता. ये तो कह रहा है ना 0 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली 0 नहीं होता. ये जो -273 डिग्री सेल्सियस है ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहलाता है. थ्योरेटिकली इस पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे वॉल्यूम 0 हो जाता है. ये थ्योरेटिकल है, ये टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है गैसेस के लिए. इट इज लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. ठीक है, अब देखिए यहां पर कि आया आप तो कह रहे हो कि -273 पे 0 नहीं होता. ये बातें तो हमें ये बताती हैं, ला तो हमें ये बताता है. याद रखिए जब भी हम किसी गैस का टेम्परेचर कम करते हैं वो लिक्विफिकेशन की तरफ चली जाती है.
पढ़ा हुआ आपने ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, कम टेम्परेचर पे गैसेस लिक्विड की तरफ और लिक्विड से सॉलिड की तरफ। अब जब हम गैसेस का टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो ऑलमोस्ट जितनी भी गैसेस हैं वो -273 से पहले ही लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। जिस टेम्परेचर पे, लेट से वो -268 पे, -230 पे, 273 से कम पे, कहीं पे भी वो गैस के स्टेट से लिक्विड में चेंज हो जाती है, अब उसके बाद उनका टेम्परेचर स्टार्ट होगा, वो जीरो से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई भी स्टेट है, मिसाल के तौर पर आप वाटर को हीट करते जाते हो, ठीक है, करते करते जैसे उसका टेम्परेचर 100 पर पहुंचता है, उसका टेम्परेचर अब नहीं बढ़ता, वो गैसेस में चेंज होना शुरू हो जाता है। वो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर मिलता है वो गैस की अपनी स्टेट में उन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर हो जाता है, और अब उस गैसीय स्टेट को आप टेम्परेचर देना शुरू करोगे वो जीरो से आगे कंटिन्यू होगा, तो उसका एक नया टेम्परेचर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात आपने समझ लेनी है कि -273 गैसेस के लिए हम नहीं लेके जा सकते, इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले ही गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं और ये टेम्परेचर अचीव नहीं होता। तो ये आपने समझ लिया कि वो टेम्परेचर जिस पर गैसेस का वॉल्यूम थियोरेटिकली जीरो हो जाए, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब हम देखते हैं इसको ग्राफिकली हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ के लिए हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये आपको पता है वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे हम लेंगे वॉल्यूम, ठीक है। ये माइनस वाई एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। जो क्वांटिटी आप एक्स एक्सिस पे इस तरफ ले रहे हो वो इस तरफ माइनस में होगी, ठीक, और जो क्वांटिटी आप वाई एक्सिस पे ले रहे हो वो यहां पर किस में होती है, माइनस में होती है। ये बात आपको पता है, ठीक है। मैं कहता हूं ये टेम्परेचर मेरा ऐसे शुरू हो रहा है 100 200 300 400, ऐसे यहां पे 100 200 300 -400, इस तरफ माइनस में, इस तरफ उसी तरह से। ऐसे ही गैस का वॉल्यूम है कोई भी है जी, 100 ml, ठीक है, 200 ml, ठीक है, 300 ml, 400 ml, 500 ml, इस तरह से वॉल्यूम जा रहा है। अब हमने क्या कहा था, सपोज क्या किया था, ये 0 degree है, हमने कहा था 0 degree पे वॉल्यूम कितना है, 273। मैं वही बात कर लेता हूं, लेट से ये है, ये 273 है, ये वॉल्यूम जीरो टेम्परेचर पे 273 है। अब हमारे पास रिलेशन ये है, वॉल्यूम आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप देखो, जैसे ही हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, ग्राफ क्या बता रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये पहली बात। अब हम कहते हैं कि अगर हम यहां से टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय टेम्परेचर कम करना शुरू करें, तो आप टेम्परेचर अगर उधर लेके जाओगे तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ये कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होते होते एक टाइम पे ऐसा आना चाहिए कि जाके इस एक्सिस के साथ मिल जाए, और इस पे जाके जब ये वाई वाली क्वांटिटी एक्स पे मिलेगी तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे सारी जगहों पे वाई वाली क्वांटिटी जीरो होती है। तो जैसे ही ये टेम्परेचर कम करते करते हम देखते हैं -273 पे ग्राफ हमें ये बताता है कि वॉल्यूम यहां पे थ्योरेटिकली जीरो हो जाना चाहिए। इस ग्राफ को हम डॉटेड लाइन से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वही बात है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बस इतनी सी बात, और इस ग्राफ में इतनी मुश्किल कोई बात नहीं है कि जब आप टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम माइनस की तरफ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो आई होप ये ग्राफ वाली एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। एक जिमनन बात यहां से आपने याद रखना है कि गैसेस के लिए हम
एक नया स्केल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड केल्विन। इसी प्रॉब्लम को सामने रख के लॉर्ड केल्विन ने एक नया टेम्परेचर स्केल स्टार्ट किया जिसे हम कहते हैं केल्विन टेम्परेचर। इस केल्विन और डिग्री सेल्सियस में जो डिग्रीज का फर्क होता है, यानी कि 1 डिग्री केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों इक्वल है। लेकिन जो केल्विन में स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि जो 0 केल्विन है वो एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है -273.15 डिग्री सेल्सियस, बस बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगर 0 केल्विन है तो वो -273.15 डिग्री सेल्सियस है। आप देखो 0 से 1 केल्विन आप करते हो, 0 से 1 केल्विन तो वो -272 हो जाएगा, ऐसी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो 0 डिग्री पर जब हम पहुंचते हैं 0 डिग्री तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 273 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हमारी कोशिश रहेगी कि आपके हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको आंसर दिया जाए। वी विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू वेरी मच।